साथियों सैकड़ों साल पहले आदि शंकराचार्य हो या आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद हमारी संत परंपरा हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष करती रही है रामकृष्ण मिशन की तो स्थापना एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से जुड़ी हुई है स्वामी विवेकानंद ने इसी संकल्प को मिशन के रूप में जिया था उनका जन्म बंगाल में हुआ था लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में जाइए आपको ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र मिला जहां विवेकानंद जी गए न हो या उनका प्रभाव न हो उनकी यात्राओं ने गुलामी के उस दौर में देश को उसकी पुरातन राष्ट्रीय चेतना का एहसास करवाया उसमें नया आत्मविश्वास फूका रामकृष्ण मिशन की इसी परंपरा को स्वामी आत्मस्थानंद जी ने अपने पूरे जीवन आगे बढ़ाया उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में अपना जीवन खपाया अनेक काम किए और जहाँ भी वो रहे वहाँ पूरी तरह रचबस गए गुजरात में रहकर वो इतनी अच्छी गुजराती बोलते थे और मेरा तो सौभाग्य रहा कि जीवन के अंतकाल में भी जब उनसे बात होती थी तो गुजराती में होती थी मुझे भी उनकी गुजराती सुनना बहुत अच्छा लगता था और मैं आज याद करना चाहता हूँ कि जब कच्छ में भूकंप आया था एक पल भी उन्होंने नहीं लगाया और उसी समय तब तो मैं राजनीति में कुछ भी नहीं था मैं किसी पद पर भी नहीं था एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था उस समय भी उन्होंने मेरे साथ सारी परिस्थिति की चिंता की बातचीत की और रामकृष्ण मिशन कच्छ में क्या काम कर सकता है और देखते ही देखते पूरे विस्तार से और पूरे समय उनके मार्गदर्शन में उस समय कच्छ में भूकंप पीड़ितों को राहत देने के लिए बहुत सारे काम चालू हो गए इसलिए रामकृष्ण मिशन के संतों को देश में राष्ट्रीय एकता के संवाहक इस रूप में हर कोई जानता है और जब वो विदेश जाते हैं तो वो वहाँ भारतीयता का प्रतिनिधित्व करते हैं